राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 53 लाख रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण जिला अस्पताल में करा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड कर रहा है। लैब बनने पर मरीज एक ही छत के नीचे सभी जाँच करा सकेंगे। चिकित्सा के सेवाओं को सरकारी स्तर पर बेहतर बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। तमाम तरह की योजनाएं मरीज के हित में लाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गरीबों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। कई बार आर्थिक तंगी के हालात में मरीजों को सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे मरीजों के लिए सरकार ने जहां आयुष्मान जैसी योजनाएं उपलब्ध कराई हैं, वहीं दूसरी ओर सभी सरकारी चिकित्सालय को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी भी चल रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 52,86,000 की लागत से इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का जिला अस्पताल आगरा में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड प्रखंड आगरा को सौंपी गई है। जी हाँ, ये इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनने जा रही है, उसके लिए कार्यकारी संस्था नामित हो गई है और ये इसमें एक कलेक्शन सेंटर बनेगा ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर तृतीय तल पे पूरी लैब बनेगी, इंटीग्रेटेड लैब, जिससे अस्पताल में जितनी लैब संचालित हैं अलग अलग जगह, वो एक ही जगह आ जाएंगी। जो जांचें अभी अलग अलग लैब में हो रही है, एक तो हमारी मेन लैब है, फिर ICTC लैब है, फिर डॉट सेंटर की लैब है हमारे यहाँ, तो ये सारी लैब्स इकट्ठी एक ही जगह आ जाएंगी। जांचें तो जो सुविधा अभी है वो तभी वही रहेगी, लेकिन इकट्ठी सब एक जगह आ जाएंगी। इसमें करीब 52 लाख लागत है। कार्य थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि हम उस लैब को सेकंड फ्लोर पे ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा थर्ड फ्लोर पे किचन है, लेकिन अभी शासन से ऐसा कुछ निर्देश आ नहीं पाया और डिले होता रहा, इसलिए अब हमने उन्हें आदेश दे दिया गया है कि जैसा उनका ओरिजिनल प्लान था वैसे ही बना ली जाए। मरीजों को लाभ ये होगा कि लाभ तो अभी भी हो रहा है, ये हमारे लिए लाभ होगा कि एक ही जगह अलग अलग लैब एक ही जगह आ जाएंगी सब। जिला अस्पताल की प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर अनीता शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनने से मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी जांचों का लाभ मिल सकेगा। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।